केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन लगातार सातवां बजट पेश करने की तैयारी में हैं। बिहार में नालंदा के सिलाफ खाजा कारोबारियों को उनके बजट से भारी उम्मीदें हैं। दुनिया भर में मशहूर सिलाफ का खाजा पहचान का मोहताज नहीं है। शुभ मौके खाजा के बिना अधूरे माने जाते हैं। सिलाव में मशहूर पारंपरिक पकवान की सैकड़ों दुकानें हैं। दुकानदारों को केंद्रीय बजट से भारी उम्मीदें हैं। सरकार से तो बहुत उम्मीद लगाए हुए हैं कि खाजा को जो ना बढ़ावा जो ना मिलना चाहिए हम लोगों को। इसके लिए आप देश विदेश कहाँ कहाँ खाजा जाते हैं? यहाँ से देश विदेश सभी जगह जाती है, यहाँ तक कि ऑनलाइन भी खाजा यहाँ से जाता है। हमें उम्मीद है कि नई सरकार बनी है और इससे हमको बहुत तरह का लाभ मिलने वाला है ना। और देखिए, हम लोग को सरकार से प्रोत्साहन मिला कि हमेशा आप लोग को सहूलियत देंगे, हर तरह का लाभ मिलेगा, यही उम्मीद हम लोग को है अभी तक। क्या सब्सिडी वगैरह मिल रही है? सब्सिडी वगैरह मिलती है? अभी तो कुछ नहीं मिलती है। क्या उम्मीद है आपको? देखिए, नया सरकार है तो अपना हम लोग को उम्मीद है कुछ मिलने का इससे। यही उम्मीद है? जी हाँ, उम्मीद है। खाजा आटा, चीनी और रिफाइंड तेल से तैयार किया जाता है। खाजा कारोबारी चाहते हैं कि पकवान के कच्चे माल की कीमत कम हो। बजट से उम्मीद किए हुए हैं कि सरकार हम लोग का अच्छा फैसिलिटी दे, कि पूंजीवादी दे, पूंजी मिलेगा तभी ना उसके आगे बढ़ सकते हैं। यही सब क्या होना चाहिए? सरकार क्या करे इस बजट में? बजट में करे, सस्ता करे, सामान सस्ता मिले। ये हम लोग का लेबर कॉस्टिंग अभी जिससे ज्यादा लग जाता है, अपने भी खटे पड़ता है। हाँ, वो सब चीज़ तो हम लोग को मिलता है नहीं, अभी तो नहीं मिलता है। कैसे किलो अभी खाजा बिक रहा है? अभी बढ़िया खाजा हम लोग 180 रुपये किलो बेच रहे हैं। अच्छा। और नमकीन खाजा 200 रुपये किलो बिकता है। सिलाफ के खाजा को GI टैग मिल चुका है। दुकानदारों को उम्मीद है कि केंद्रीय बजट उनके कारोबार को आगे बढ़ाने में मदद देगा।